फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने वाले हैं होंडा यूनिकॉर्न को वॉश किस तरीके से करें और उसके साथ पॉलिश को किस तरीके से अप्लाई करें। सो आप देख रहे हैं एसडवाइज, मेरा नाम है समीर। सो लेट्स स्टार्ट इट। सब्सक्राइब कीजिए एसडवाइज चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारे मैकेनिकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो गैस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बाइक जो एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से गलीज हो चुके हैं और इसके साथ आप देख सकते हैं इसका फोर कॉयल सील भी जा चुके हैं और यहाँ से आयल लीकेज हो रहा है और हमारी बाइक जो एकदम फुल बिल्कुल ही बहुत गंदी तरीके से गलीज हो चुकी है। बहुत दिनों से मैं सोचा था वॉश करा दूँ। आप लोग भी मुझे कमेंट कर रहे थे वॉशिंग का और पॉलिश का वीडियो अपलोड करो, तो फाइनली मैं आपके लिए इस वॉशिंग का और पॉलिश का वीडियो लेकर आ चुका हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हम पहले बाइक को वॉश करेंगे, उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स में शेयर कर देना। तो चलिए इसे स्टार्ट करें। सबसे पहले हम इसे बाइक को वाटर वॉश कर देंगे, फिर पानी से वॉश करेंगे, उसके बाद में हम इस पर सोप अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम पहले फटाफट इसको वॉश कर लेते हैं। तो वॉश कराने के लिए मैं यहाँ पे सर्विस सेंटर को लेके आया हूँ। अगर से आप चाहे तो घर पर ही कर सकते हैं या फिर आप आपके नज़दीकी सर्विस सेंटर पर जाके आप बाइक को वॉश करा सकते हैं। तो पैदल से वॉश करेंगे तो आप थोड़ा बेहतर रहेगा। आप घर पर वॉश कराते हैं तो इतनी घर पर वॉश करते हैं तो इतनी क्लीन से नहीं होगा जितना आप पैदल से वॉश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फुल पैदल से वॉश हो रही है हमारी बाइक और इससे पैदल से वॉश करेंगे तो सारी मट्टी जो इसकी निकल जाती है। तो पैदल से वॉश करने के बाद में इसकी मट्टी पूरी निकल गया जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे शैम्पू को मिक्स करेंगे पानी के साथ। तो इसमें पानी मिलाकर, पानी के अंदर शैम्पू को मिलाकर उसके बाद में हम बाइक के अंदर शैम्पू को पूरा अप्लाई करेंगे। इस पे पूरा हम बाइक को वॉश करेंगे शैम्पू से, पूरा घिस घिस कर सारी बाइक को जो शैम्पू कर देंगे, फुल एकदम नीट कर देंगे। अगर से आप सोप वॉश करते हैं तो आप घर पर ही कर सकते हैं या फिर आप वाटर वॉश बाहर भी जाके कराना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आप पैदल से वॉश कराएंगे तो थोड़ी क्लीन सी होगी आपकी बाइक। तो आप देख सकते हैं अभी फिलहाल पूरा सोप वॉश कर रहे हैं। सोप वॉश करने के बाद में हमारी बाइक को जो हम फिर से वाटर वॉश कर देंगे ताकि इसका सारा जो सोप है वो पूरा क्लीन हो जाए और हमारी बाइक जो एकदम चमचमाए। ऐसे आप देख सकते हैं हमारी बाइक एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से मिरर फिनिश हो चुकी है। अभी न्यू कंडीशन जैसी लग रही है हमारी बाइक बिल्कुल। तो पहले तो आप जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो से पहले जो वीडियो मैंने दिखाया था एकदम फुल गंदी हो गई थी हमारी बाइक। बहुत दिनों से मैंने वॉश भी नहीं कराया था, गैरेज के शेड्यूल में थोड़ा सा बिजी था। आप लोग कमेंट करने की वजह से हमारी बाइक को जो है वॉश कराने का टाइम मिल रहा है या फिर मैं ऐसे ही बाइक को चलाता रहता बिकॉज थोड़ा सा बिजी हूँ गैरेज में। अभी आप जानते होंगे मेरी खुद की गैरेज पर अभी मैं वर्क कर रहा हूँ। पहले जो है मैं शोरूम पर वर्क कर रहा था तो अभी मैं गैरेज डाल चुका हूँ, उसके बाद गैरेज पर वर्क कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी बाइक जो एकदम फुल वॉश हो चुकी है और हमारी बाइक जो एकदम फुल चमक रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। पहले आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कितना इसमें डिफरेंट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे फटाफट हमारे शॉप पर ले जाएंगे। शॉप पर ले जाने के बाद थोड़ी देर इसको खड़ा करेंगे, सारा इसका पानी जो ड्राई हो जाएंगे। इसके आप देख सकते हैं इसका सारा जो पानी वो ड्राई हो चुका है। हमारे बाइक जो अभी एकदम फुल ड्राई हो चुकी है, इसमें कुछ भी पानी नहीं है थोड़ा सा भी। तो पीछे की साइड से आप देख सकते हैं एकदम फुल नीट हो चुका है हमारी बाइक। तो इसके बाद में हमारे बारी आती है पॉलिश की। तो पॉलिश को अप्लाई करेंगे हमारे बाइक के ऊपर। पॉलिश करेंगे तो तभी इसका मज़ा आएगा, न्यू कंडीशन जैसी हो जाएगी हमारी बाइक। जिसके आप देख सकते हैं ये रही हमारी पॉलिश, क्रीम कलर की कुछ पॉलिश है। एक्चुअली ये पॉलिश को बनाया जाता है वाटर मिक्स करके, वाटर मिक्सिंग पॉलिश है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पॉलिश एकदम फुल ज़बरदस्त है। ये पॉलिश को मैंने बनाना सीखा शोरूम पर, मैं शोरूम पर वर्क कर रहा था तो शोरूम के अंदर यही पॉलिश को इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर दूसरी पॉलिश को जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। मैं सोचा आप लोगों को ये शोरूम का एक तरीके से ये राजी है तो शोरूम वाले आप कस्टमरों को नहीं बोलते कि ये पॉलिश किस तरीके से बनाना चाहिए, वाटर मिक्स कर होता है पॉलिश के अंदर। अगर से आप लोग कहते हैं, मुझे कमेंट करते हैं इस पॉलिश का फुल डिटेल वीडियो दो तो मैं इस पॉलिश का किस तरीके से इस पॉलिश को बनाते हैं इसका वीडियो मैं मेरे दूसरे चैनल पर अपलोड कर दूँगा, एसडवाइज व्लॉग यूट्यूब चैनल पर। इसका मैंने लिंक मेरे अबाउट चैनल अबाउट में दे दिया है, आप चाहे तो जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फुल इसको पॉलिश का फुल मेरी बाइक के ऊपर मैंने पॉलिश को मार दिया, जैसे कि आप देख सकते होंगे थोड़ी जगह पे मैंने इसको नहीं छोड़ा है। आप भी कुछ इस तरीके से पॉलिश को उस बनाने के बाद में इस तरीके से आप अपनी बाइक को पॉलिश कर दें। करने के बाद में आप इस पॉलिश को 10 मिनट छोड़ दें सूखने के लिए। सूखने के बाद में आपकी पॉलिश जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगी, सारी ड्राई हो जाएगी वो पॉलिश। उसके बाद में आपको चाहिए कुछ इस तरीके का वेस्ट या फिर आप नीट कपड़ा भी, नया कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में आपकी बाइक को जिसी जगह आपने पॉलिश किया था उसी जगह अपनी बाइक को साफ कीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं एकदम न्यू कंडीशन जैसी हो चुकी है शोरूम के अंदर। हाँ गाइस, बहुत एकदम ऑसम वाली पॉलिश इस्तेमाल करेंगे जैसे कि आप देख सकते होंगे शोरूम के अंदर भी आपको कुछ इस तरीके से बना कर देते हैं। अगर से आप इस शोरूम का राज जानना चाहते हैं, इस शोरूम के अंदर किस तरीके का पॉलिश इस्तेमाल करना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए, मैं दूसरे चैनल पर मेरा उस वीडियो को अपलोड कर दूँगा। बहुत ही बेहतरीन पॉलिश है जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी बाइक जो एकदम फुल नीट हो चुकी है और आप देख सकते होंगे कितनी हमारी बाइक जो चमक रही है और आगे से भी आप देख सकते होंगे अभी एकदम न्यू कंडीशन जैसी हमारी बाइक हो चुकी है।
रियली गाइस आई लाइक इट इज पॉलिश। मैं यही भी हमारी गैरेज में बाइक को सर्विस कराता हूँ, सर्विस पे आती है हमारी बाइक सर्विस कराने के लिए, तो मैं इसी पॉलिश को अप्लाई करता हूँ। कस्टमर भी खुश हो जाते हैं और हमारा भी काम जो है वो आसान हो जाता है। वॉशिंग में अगर से थोड़ी सी भी गंदगी छूट जाती है तो इस पॉलिश के अंदर वो क्लीन हो जाती है और हमारी बाइक जो एकदम न्यू चमचमाती जैसी हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी बाइक जो एकदम वापस इसमें शाइनिंग आ चुकी है और हमारी बाइक जो एकदम न्यू कंडीशन जैसी हो चुकी है। पीछे की साइड से भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की पॉलिश हो चुकी है। आई होप आपको इस वीडियो को देखकर समझ आया होगा वॉश किस तरीके से कराना है और पॉलिश को किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर से आप इस पॉलिश का वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट कीजिए, इस पॉलिश का वीडियो जरूर से आपको बनाकर मेरे दूसरे चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आप समझ चुके होंगे गाइस इसको किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से इसको वॉश कराते हैं। सो एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स में। कोई भी सवाल रहता हो नीचे कमेंट कर दीजिए। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।